माँ विद्यावहै शांति शांति। नमस्ते एवरीबॉडी, नमस्ते सर। ओवर टू यू डॉक्टर मोर। सो प्लीज मेक मी अ होस्ट। यस सर। वन मिनट। ओके, थैंक यू सर। या इट इज डन, थैंक यू। Okay, so in the last session we are discussing about the shoulder joint, and now in this session basically we are doing two joints at once, because there are three main joints in the upper limb, that is shoulder, elbow and the bridge joint, out of which when you are performing the asanas, any kind of asanas from the supine to the sitting positions, all three joints, that is bridge joint, elbow joint and the shoulder joints, all are involved in the same posture. Basically shoulder joint have a main role. In the last lecture I have just given two three articles regarding the researches over the shoulder joints, particularly with the frozen shoulder. Similarly, they have no research work to done on the bridge joint particular, and particularly with the elbow joint, except one disease of the elbow, that is called as a tennis elbow. It is just an inflammation of the lateral condyle. I think ये नाम हमने पहले भी सुना है, जब सचिन तेंदुलकर को ये डिसीज हुआ था, जो बीच में 3-4 साल वो खेल नहीं पाए थे. तो टेनिस एल्बो ये एक डिसीज है जिसपे रिसर्चेस हुए है, हम कौन से आसन कर सकते हैं. पर्टिकुलरली जो ग्रंथोक्त आसन है वो इंडिकेटेड नहीं है, सिर्फ उन्होंने उनके इंडिकेशंस में ऐसा बोला है कि हमें फोरआर्म के मसल्स, पर्टिकुलरली जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. तो वो हम वो बाद में देखेंगे. स्टार्टिंग विद द जनरल एनाटॉमी ऑफ द जॉइंट्स, तो ये लेक्चर में हम दोनों जॉइंट्स इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज द एल्बो जॉइंट एंड द ब्रिज जॉइंट. एंड आसनास जो लास्ट टाइम भी हमने देखे थे उसमें से 2-3 आसन यहाँ पे भी रिपीट है, और बाकी जो आसन हम डे टू डे एक्टिविटीज में करते हैं जैसे भुजंगासन हो गया, वहां पे भी ब्रिज जॉइंट पर्टिकुलरली यूज होता है. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, द इंट्रोडक्टरी पोर्शन ऑफ द जॉइंट, दैट इज फर्स्ट वन द एल्बो जॉइंट. इन आयुर्वेदा संस्कृत इट इज कॉल्ड एज अ कुरपर संधि. बेसिकली कुरपरा इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन वन ऑफ द मर्म, जो मर्म के टाइप्स बोले हैं सुश्रुत ने, उसमें संधि मर्म करके एक टाइप आता है, उसमें कुरपर संधि ये भी एक मर्म करके बोला है. जब हम हम के डिसीजेस ट्रीट करते हैं विद मर्म चिकित्सा, बेसिकली विद फ्रोजन शोल्डर, तो यहाँ पे भी कुरपर संधि हम स्टिमुलेट करते हैं. तो बेसिकली शायद लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, ये जो पोर्शन होता है इट इज द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क रिगार्डिंग द एल्बो जॉइंट. दिस इज द मिडिल इपिकोंडाइल, इट इज अ पोर्शन ऑफ द ह्यूमरस. दिस वन, दिस इज द पोर्शन ऑफ द अल्ना, दैट इज द ओलेक्रोनॉन प्रोसेस. ओके, यहाँ से लेके ये दोनों, यहाँ पे जो पाल्पेट होता है दैट इज द ह्यूमरस, उसके नीचे का जो पोर्शन है दैट इज द फोरआर्म. तो ये जो पोर्शन आता है दिस इज रिलेटेड विद एन एल्बो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्यूबिटस. Greek word that meaning of cubitus, it's the elbow. So the structures which is just lies in surrounding the elbow, that is related with an cubitus name. इसलिए हमने last time जब myology देखी थी तो वहाँ पे हमने cubital fossa करके देखा था. जो important conditions है, जैसे यहाँ पे आप अगर thumb रखोगे और यहाँ पे आप सिर्फ उसको flex करोगे तो वहाँ पे एक tendon palpate होती है, that is the tendon of bicep brachii. ठीक है, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट की पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की रिलेशन में भी आएगा. बेसिकली दिस इज द एल्बो, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर वेयर इट इज एग्जैक्टली प्रेजेंट. इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द फोरआर्म एंड द आर्म, मींस दिस इज द जॉइंट व्हिच जस्ट
joint forearm with the arm, having three important bones. Let's go first articulating surfaces. किस किस के बीच में form होता है? तो that is the epiculum and trochlea of the humerus. Epiculum, it is the portion. आपको अगर याद होगा lower end humerus का, तो जो radius होती है, वो thumb के side में होती है. तो thumb के side में वहाँ पे एक structure होता है, उसको epiculum बोला गया है. Trochlea, it's just जो डमरू होता है, उसके शेप में होता है और वो ओलिक्रोन फोर्स से जो सॉरी ट्रोक्लियर नॉट जो होती है वहां पे फिट होता है. तो वो एट द अपर सेगमेंट हैविंग आर्टिकुलेशन विद द ह्यूमरस, एट द लोअर सेगमेंट हैविंग ओनली वन आर्टिकुलेशन दैट इज रिलेटेड विद द अल्ना एंड अनदर विद रेडियस दैट इज द मींस रेडियस आर्टिकुलेट्स विद द कैपिचुलम, ट्रोक्लियर नॉट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस. इन आयुर्वेदा इट्स वन ऑफ द कोरस संधि. बेसिकली कोरस संधि इज द टाइप ऑफ हिंज जॉइंट. ये जब हमने जॉइंट का क्लासिफिकेशन भी देखा था, मैंने बताया था कि ये साइनोवियल जॉइंट है, मूवेबल जॉइंट आता है, हिंज टाइप ऑफ जॉइंट होता है. मीन्स जैसे हमने हमारे जो डोवर्स होते हैं, तो वहां पे जो एक वन वे या टू वे मूवमेंट के लिए जो हम एक ये फिक्स करते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ हिंज जॉइंट. इसमें सिर्फ दो मूवमेंट होती है, दैट इज एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन. Just go one by one. This is the humerus. This is the capitulum where the radius is attached. This is the trochlea of the humerus. And this is the trochlear notch. At the posterior segment, we can just see over here. This one is the olecranon process. And this is the olecranon fossa where it is exactly attached. So, this is the radius, this is the posterior segment of the elbow joint and this is the anterior one. Ab yahan pe aage bhi do fossa available hai jo present hote hai by the march. Jab hum flex karte hai elbow ko, to flex karte waqt jo radius hota hai, this is the radius, wo capitulum ke upar yahan pe touch hota hai, isliye wahan pe ek fossa create hota hai, that is called as a radial fossa. और हमने अल्ना देखा है, अल्ना में तीन प्रोसेस होते हैं. एट द अपर सेगमेंट हैविंग टू प्रोसेस, इट इज द ओलेक्रोनन प्रोसेस एंड द कोरोनॉइड प्रोसेस. जब हम एल्बो फ्लेक्स करेंगे तो ये कोरोनॉइड प्रोसेस का इंप्रेशन यहाँ पे गिरता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कोरोनॉइड फोसा. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्बो जॉइंट, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर. देन लिगामेंट्स, बेसिकली फर्स्ट लिगामेंट इन द साइनोवियल जॉइंट, दैट इज द कैप्सुलर लिगामेंट. अगेन ये जो सुप्राकोंडाइलर रीज होती है ह्यूमरस के ऊपर, वहां से अपर सेगमेंट में अटैच होती है विद द इनर एस्पेक्ट, सॉरी विद द लोअर एस्पेक्ट रेडियस और अल्ना. अल्ना में भी जो ओलेक्रोनन प्रोसेस टू कोरोनॉइड प्रोसेस की जो मार्जिन होती है वहां पे वो अटैच होता है, और रेडियस में जो अपर एंड होता है रेडियस का, जैसे हमने लास्ट पिक्चर में देखा, ये जो अपर एंड होता है दिस इज द हेड, और ये जो आउटर बॉर्डर है दिस इज द अपर बॉर्डर, दिस इज द लोअर एंड आउटर बॉर्डर. यहां से लेके ये प्रोसेस तक कोरोनॉइड प्रोसेस से, फिर पोस्टीरियरली ये जो प्रोसेस होती है ओलेक्रोनन प्रोसेस और ओलेक्रोनन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस, ये जो मार्जिन है यहाँ पे कंप्लीटली कैप्सूल अटैच होती है, और विद इन दैट कैप्सूल वी आर हैविंग अनदर स्ट्रक्चर्स, दैट इज द साइनोवियल लिगामेंट, साइनोवियल फ्लूइड. देन एंटीरियर लिगामेंट, this is present at the anterior aspect, shayad ye diagram yahan pe hai, this is the annular ligament present over the head of the radius. yahan portion mein anteriorly dense fiber structure hota hai jo capsule ke sath hi attach hota hai, that is called as an anterior ligament. then posterior ligament, it is present at the posterior aspect of the elbow, wo bhi jo capsule hota hai dense structure usi ke sath attach hota hai. then ulnar collateral ligament and radial collateral ligaments are also called as an मीडियल लिगामेंट और लैटरल लिगामेंट. अब रेडियस लैटरली होती है, इसलिए लैटरल साइड के जो स्ट्रक्चर से जिसको अटैच करने के लिए जो लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, और जो मीडियल साइड में होती है दैट इज कॉल्ड एज एन अल्नर कोलैटरल लिगामेंट. तो बेसिकली कैप्सूल, एंटीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर लिगामेंट, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट एंड द रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, ये पांच लिगामेंट्स मेन होती है जो शोल्डर जॉइंट फॉर्म करती है, जो शोल्डर जॉइंट को उसी की पोजिशन में रखती है. उसको छोड़ के यहाँ पे एक एसेसरी लिगामेंट भी होती है जो रेडियस का जो राउंडेड स्ट्रक्चर है, ये जो रेडियस का ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है
उसी के ऊपर लगी रहती है, दैट इज कॉल्ड एज एन एन्युलर लिगामेंट। इसलिए बहुत बार अगर हम किसी को फुल हाथ से उठाएंगे तो बहुत बार ऐसा होता है, मोस्ट कॉमनली तो शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट होता है। लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था कि जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको अगर दो हाथ से उठा रहे हैं तो कभी कभी जर्क गिर जाता है, और उनका जो कैप्सूल होता है वो लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट में थोड़ा सा वीक होता है एज कम्पेयर टू अनदर सेगमेंट्स, तो वहां से डिसलोकेट हो सकता है। अगर उसके हाथ को जर्क अगर बैठा, ऐसे कंडीशन में ये जो स्ट्रक्चर होता है एनुलर लिगामेंट का, एक तो हेड राउंडेड है, उसी को सर्कल सर्कुलर में एनुलर लिगामेंट होती है, और उसमें से रेडियस नीचे स्लिप हो जाता है। ऐसे कंडीशन में भी यहाँ पे डिसलोकेशन हो सकता है, तो दैट इज द अनदर लिगामेंट विच इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन और द मूवमेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट। सो दिस फाइव लिगामेंट्स अलोंग विद एनुलर लिगामेंट, स्ट्रक्चर से लिगामेंट बेसिकली कैसे अटैच होते हैं, तो यहाँ पे ये जो है दिस इज अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, दिस स्टार्टिंग विद दिस अल्नर एस्पेक्ट, दैट इज द मीडियल एस्पेक्ट, दिस इज द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, यहां से लेके एक वाई बैंड में रहती है जो ओलेक्रोनान प्रोसेस तक भी जाती है और एक मीडियल एपिकोंडाइल तक जाती है, और इसका बेस जो होता है वो कोरोनाइट प्रोसेस के मीडियली अटैच होता है। दिस इज द एनुलर लिगामेंट एंड दिस इज द टेंडन ऑफ द बाइसेप ब्रैकाई, जो हमने लैंडमार्क के वक्त भी देखा था। इसे फ्लेक्स कीजिए, यहाँ पे थंब रखिए, आपको यह टेंडन मिलेगा, दैट इज द टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रैकाई। दिस इज द मीडियल व्यू, बेसिकली टू लिगामेंट्स, दैट इज अल्नर कोलैटरल लिगामेंट एंड दिस इज द आर्टिकुलर कैप्सूल अलॉन्ग विद द एनुलर लिगामेंट। देन इन द लैटरल एस्पेक्ट वी हैव अगेन द लैटरल एपिकोंडाइल एट द अपर सेगमेंट, इन द लोअर सेगमेंट दिस इज द रेडियल कोलैटरल लिगामेंट और द लैटरल लिगामेंट। अब यहाँ पे भी ये लैटरल पोर्शन है, लैटरल पोर्शन में जो हुक लाइक स्ट्रक्चर हमने इसका देखा है अल्ना का, तो अल्ना के हुक लाइक स्ट्रक्चर में वो लैटरली अटैच होते हैं और अपर साइड में वो लैटरल एपिकोंडाइल को अटैच होते हैं। तो दिस इज द ओनली थ्री इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट एंड द कैप्सुलर लिगामेंट। और ये जब हम जो मैंने स्टार्टिंग में टेनिस एल्बो बताया था, दैट इज रिलेटेड विद एन लैटरल एपिकोंडाइल, मीन्स यहाँ पे जब हम ज्यादा मूवमेंट होती है, जहाँ पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, बेसिकली हमने यहाँ के मसल्स भी देखे हैं कि वहाँ पे वो ग्रुपिंग में मसल्स होते हैं। फोरआर्म में एंटीरियर कंपार्टमेंट में हैविंग 8 मसल्स, एक्सटर्नल कंपार्टमेंट में हैविंग 12 मसल्स। तो ये जो मसल्स होती है दे आर स्ट्रेट लाइनिंग मसल्स। जब हम मूव करते हैं, जैसे पर्टिकुलरली दे आर प्लेस्ड इन द टेनिस, तो टेनिस के वक्त जब वो पुश करते हैं, वो खेलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनकी मूवमेंट कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, वो मसल्स की मूवमेंट, इस कारण वो दो उनका फ्रिक्शन होता है और उस कारण ये इन्फ्लामेशन हो सकता है। सेम ये जो स्ट्रक्चर है लैटरल एपिकोंडाइल से रिलेटेड होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज लैटरल एपिकोंडाइलाइटिस। ये अगर मीडियल एपिकोंडाइल में हुआ तो ये कॉमनली गोल्फ के जो प्लेयर्स होते हैं उनमें पाया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज गोल्फर एल्बो। बेसिकली टेनिस एल्बो इट्स रिलेटेड विथ एन लैटरल एपिकोंडाइल इन्फ्लामेशन। इसलिए अगर यहाँ पे आप हाथ लगाने के बाद अगर आपको पेन एग्जर्ट हो रहा है, दैट इज द लैटरल एपिकोंडाइल कोंडाइलर पेन। और यहाँ पे जो प्रोमिनेंट रिज आपको प्रोमिनेंट ट्यूबरोसिटी मिलती है या प्रोमिनेंट बोनी प्रोमिनेंस मिलता है, दैट इज द मीडियल एपिकोंडाइल। और वहां पे अगर आपको प्रेस करने के बाद पेन हो रहा है तो इट इज द इन्फ्लामेशन रिलेटेड विद द मीडियल एपिकोंडाइल। दिस इज द लिगामेंट्स इन रिलेशन anteriorly they having a brachialis muscle, it is the muscles present in the arm, then a median nerve, brachial artery, tendon of the bicep brachii, posteriorly they having a tricep and the anconeus, bicep arm ki hi muscles hai, ek hi muscle hoti hai arm mein at the posterior compartment, uske teen head hai isliye that is called as an triceps, anconeus it is the muscle of an extensor compartment, superficial muscle hoti hai jo aapko olecranon process ke paas hame milti hai, then medially it is related with an ulnar nerve, flexor carpi ulnaris and common flexors. जब हमने फोरआर्म के मसल्स देखे थे तो they are all are originated from the same structure, that is the medial epicondyle and that portion is called as a common flexor origin. उसी के साथ flexor carpi ulnaris यहाँ पे होती है, ulnar nerve होती है. Laterally they having a supinator, it is the muscles of the extensor compartment of the forearm, which is just lies at the deep level. Extensor carpiradialis brevis and extensor common extensor origin. Medial epicondyle में common flexor origin होता है, lateral epicondyle में common extensor origin होता है. यहाँ पे मैंने वो pictures भी दिखाए हैं. जैसे anteriorly having brachialis and median nerve relations.
दिस इज द आप नीचे यहाँ पे आपको दिखेंगी, दिस इज द ब्रैकेलिस मसल्स। जब बाइसेप्स बाइसेप ब्रैका का हाथ ये सॉरी बाइसेप ब्रैका हम बीच में से कट करते हैं, तो उसके नीचे हमें ब्रैकेलिस मसल्स दिखेंगी। तो यहाँ पे एग्जैक्टली एट द दिस पोर्शन एट द फ्लोर ऑफ दिस ह्यूमरस वी कैन जस्ट फाइंड आउट द ब्रैकेलिस मसल, देन द मीडियन नर्व। हियर वी कैन जस्ट सी थ्री रिलेशंस ऑफ द नर्व्स, दैट इज this is one is the radial nerve, this is the median nerve and this is the ulnar nerve. यहाँ पे medial epicondyle के नीचे आप ulnar nerve मिलेंगी, radial और median nerve at the center में होते हैं। cubital fossa के content में भी हमने ये देखा है कि median nerve आपको content में मिलती है at the center, then radial nerve ये भी cubital fossa के content में है। basically ये जो nerve होती है यहाँ पे हमें मिलेंगी, this is the radial nerve. This is the radial nerve. अब radial outer side में होती है, यहाँ पे जो brachioradialis होती है, brachioradialis और बाजू में यानी जो brachialis होती है आम की, brachioradialis दोनों के बीच में से नर्व रन होती है। यहाँ पे ये देखेंगे, this is the radial nerve. Basically this is just come from the radial groove which is present in between the lateral and the medial head of the tricep. वहां से वो humerus के पीछे से आगे पे आती है, तो यहाँ पे वो आगे आती है। तो दिस इज द रिलेशन अगेन इन फ्रंट ऑफ द एल्बो। तो अगर क्रश इंजरी हुई तो ये तीनों में से कोई भी नर्व डैमेज हो सकती है और ये जो फिंगर के मूवमेंट्स होती है उसको कंट्रोल करते हैं। ये हर नर्व का सेक्शंस हम जब लास्ट में सीएनएस देखेंगे तो कौन सी नर्व कहाँ पे अफेक्ट होती है, कहाँ कहाँ पे जाती है वो हम वहां पे देखेंगे। यहाँ पे दिस इज द ब्रैकियल आर्टरी, then they having another just branches related with this portion. Basically that have two important branches, that is the radial artery and the ulnar artery. It is just lies at the apex of the cubital fossa. यहाँ पे cubital fossa apex होता है, means this is an imaginary line at the upper segment of medial and lateral epicondyle. Then that having at the medial section they having the pronator teres, in the lateral section they having the brachioradialis. और उसके नीचे जहाँ पे वो imaginary एक अपेक्स ये होता है वहां से वो बाइफर्केट होती है इन द टू स्ट्रक्चर्स, दैट इज द रेडियल एंड द अल्नर स्ट्रक्चर। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है एज अ मर्म चिकित्सा। जैसे मैंने अभी कुरपर मर्म बताया कि यहाँ पे जब मेडियल और लैटरल एपिकोंडाइल के बीच में हम एक अंगुल नीचे वहां पर प्रेस करते हैं कुरपर मर्म के लिए, देन दैट इमेजिनरी स्ट्रक्चर और द इमेजिनरी अपेक्स ऑफ द क्यूबाइडल फोसा here we considered it as an इंद्रबस्ती मर्म। यहाँ पे भी हम इसको स्टिमुलाई करते हैं जब अपर आर्म के डिसीज होते हैं। वो बेसिकली वो बेसिकली हैविंग टू डिविजन्स ऑफ द ब्रैकियल आर्टरी, दैट इज द रेडियल एंड द अल्नर वन। ये रिलेशंस में ये पूरे स्ट्रक्चर हमें दिखेंगे। एंकोनियस शायद एंकोनियस यहाँ पे पोस्टीरियर सेगमेंट में होती है, जो छोटी थी। दिस इज द फैन लाइक स्ट्रक्चर मसल्स, जापानीज पंखा हमने ये जब हमने ये दिखा था फोरआर्म के, मैंने बताया था कि वो एलोग्रोनन प्रोसेस के पोस्टीरियरली आपको छोटी सी मसल मिलेंगी, इट इज द एंकोनियस। दिस इज द ट्राइसेप वन, दिस इज कम्प्लीट ट्राइसेप। ये एंटीरियर सेगमेंट की मसल्स है, दिस इज बाइसेप ब्रैका और उसके नीचे यहाँ पे ब्रैकेलिस है। ये बाइसेप ब्रैका का एंडोन ट्यूबेलस के एग्जैक्टली ऊपर जाता है, दैट इज द टेंडन ऑफ द बाइसेप ब्रैका। दूसरा टेंडन जो होता है वो रूफ में आपको हमें मिलता है, दैट इज द एपोनोरेसिस ऑफ बाइसेप ब्रैका। देन दिस इज अबाउट द रिलेशन, ब्लड सप्लाई जस्ट सराउंडिंग द स्ट्रक्चर्स, दैट इज ब्रैकियल आर्टरी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसी से वो आजू बाजू के स्ट्रक्चर जो करते हैं। नर्व सप्लाई जो वहां पे सभी प्रेजेंट है, दैट इज द अल्नर नर्व, मेडियल नर्व, रेडियल नर्व, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, ये बेसिकली कोरेको ब्रैकिलिस को पियर्स करके आगे तक जाती है। एल्बो के नीचे भी वो कंटिन्यू होती है, बट दैट इज कॉल्ड एज एन लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म, वो एल्बो के आगे जाती है। बट ये फोर नर्व्स वहां पे इंपॉर्टेंट है इन मूवमेंट्स। फर्स्ट मूवमेंट दैट इज द फ्लेक्शन। डॉक्टर अमोल, यस सर, दिस दीज नर्व्स डू दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सर्वाइकल रीजन ऑफ द स्पाइन? एक्चुअली सर जो नर्व्स होती है वो प्लेक्सस से ओरिजिन होती है, डायरेक्टली वो नहीं निकलती। वी हैविंग सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रैकियल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस एंड लंबोसैक्रल प्लेक्सस।
ये जो नर्व्स है मेडियल नर्व, अन्नर नर्व, ये ब्रैकियल प्लेक्सस से निकलती है। बेसिकली हमारा जो एक्सिला है, एक्सिला के एग्जैक्टली ऊपर जो सुप्रा एक ये होता है एक्सिलरी कैनल होता है एग्जैक्टली क्लेविकल के पीछे, और स्कैपुला का जो कोरागट प्रोसेस होता है उससे ये रीजन है दैट इज रिलेटेड विद C4 मींस C4 सर्वाइकल T1। C4 प्रीफिक्स में आता है, C5 से लेके T1 तक ये नॉर्मली होता है। उसके तीन कॉर्ड्स होते हैं मेडियल, लैटरल और पोस्टेरियर। तो उसमें ये अलग अलग नर्व्स अलग अलग कॉर्ड से निकलती है। बेसिकली दे आर स्टार्टेड फॉर विद दिस रीजन दैट इज C4 टू T1 मींस सर्वाइकल रीजन से निकलती है, बट इट इज कॉल्ड एज अ ब्रैकियल प्लेक्सस क्योंकि वो ब्रैकियम में जा रहा है। मींस जो हम अपर लिम जो ये करते हैं दैट इज ब्रैकियम रिलेटेड विद द आर्म एंड एंटी ब्रैकियम दैट इज रिलेटेड विद द फोरआर्म। तो ब्रैकियम में जा रहा है तो ब्रैकियम में जाने वाली जो नर्व्स होती है दैट इज रिलेटेड कॉल्ड एज अ ब्रैकियल प्लेक्सस। तो ये जब हम CNS बेसिकली देखेंगे, जैसे इसमें से ये जो रेडियल है हमने देखा कि वो पोस्टीरियर सेगमेंट में दिखते हैं, पर वो दैट इज रिलेटेड विद एन रेडियल कॉर्ड। हर कॉर्ड की अलग अलग ब्रांचेस होती है, जैसे मस्कुलर क्यूटानिया से लैटरल कॉर्ड से निकलती है, अल्नर, रेडियल, मीडियन, ये बेसिकली दे आर रिलेटेड विद मीडियन कॉर्ड। एक्सिलरी नर्व जो हमने ह्यूमरस के हेड में देखी थी दैट इज रिलेटेड विद पोस्टीरियर कॉर्ड, ये ब्रैकियल प्लेक्सस से निकलती है। और सभी नर्व्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द 100% द वर्टिब्रल दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड। सिर्फ उसके रीजन अलग अलग होते हैं। हर नर्व की लोकेशन मीन्स जो C4 T1 बताया वो पूरी ब्रैकियल प्लेक्सस की है, तो ये पूरे रूट्स नहीं निकलते उसमें से। यस सर, ओके ओके फाइन, प्लीज गो अहेड। ओके सर, ये हम डिटेल में जब हम CNS का पोर्शन लेंगे इसके लिए, अब जैसे यहाँ पे नर्व रन हो रही है, जैसे मीडियन नर्व बीच में है, तो ये जो अपर 3.5 fingers होती है उसी को उसी से रिलेटेड होती है, यानी जो मूवमेंट्स हो रही है मीडियल साइड के 3 fingers की वो उससे रिलेटेड, सॉरी मीडियम अंदर सॉरी लैटरली 3.5 fingers की वो मीडियन नर्व से एंटीरियर कंपार्टमेंट में होती है। देन अल्नर नर्व की अलग सप्लाई है और हर रीजन वाइज नर्व सप्लाई अलग अलग होता है। ये हम CNS में उसको इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। तो ये बेसिकली दिस नर्व्स कमिंग फ्रॉम द ब्रैकियल प्लेक्सस। ब्रैकियल प्लेक्सस, ओके। यस सर, या थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। देन द मूवमेंट्स ऑफ द एल्बो दैट इज द फ्लेक्शन, एंगल कम करना दैट इज द रिलेटेड विद ब्रैकियलिस एंड द बाइसेप ब्रैकियल एंड द ब्रैकियोरेडियलिस। ब्रैकियलिस एंड बाइसेप्स दे आर रिलेटेड विद एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। अब जब हमने स्टार्टिंग में देखा था तब जब एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म होता है दैट इज रिलेटेड विद द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, और पोस्टीरियर दैट इज द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। वही मसल्स यहां पे काम में आती दैट इज फ्लेक्सर रिलेटेड विद द ब्रैकियलिस बाइसेप ब्रैकियल एंड ब्रैकियोरेडियलिस। एक्सटेंसर दैट इज द ट्राइसेप एंड द एंकोनियस। तो एक्सटेंशन जब होता है दैट इज रिलेटेड विद द दिस टू मसल्स दैट इज ट्राइसेप एंड एंकोनियस। ट्राइसेप्स और एंकोनियस अभी मैंने पिक्चर में दिखाए थे। This is the brachialis, bicep brachii. This is brachioradialis, starting with brachium up to the radius. ये जो सबसे prominent यहाँ पे जो structure हमें मिलता है, that is related with the brachioradialis. This is tricep. So these are the muscles related with an flexion and extension. दो ही movement है elbow के. This is the normal structure. जब हम normally place करते हैं, that is related with extension. उसको हमने flex किया at the 90 degree. That is related with the flexion. This is extension, this is flexion. Then how we calculate the range of motion? जब हमने ये last time भी shoulder में देखा था कि जब कोई disease होता है तो उनकी movement कम होती है, basically it is related with an goniometric stress कि हम कहाँ पे arm रखते हैं, normal structure कितना होना चाहिए। तो exactly range of motion का जो degrees है वो 150 तक रहती है normally। अब ये मोशन अगर कुछ रिस्ट्रिक्ट हो गया ये अलग हो जाएगा, तो ये कंडीशन में हम जो रोटेटरी आर्म और फिक्स आर्म है गोनियोमेट्रिक का वो कहाँ कहाँ पे रखना है उसकी मैंने सिर्फ ये बताया है पोजीशंस कि हम इसको कहाँ पे रख सकते हैं और कैसे उसको काउंट कर सकते हैं। तो दिस पेशेंट इज इन द सुपाइन और सीटेड पोजिशन, जैसे हम यहाँ पे रख रहे हैं कि एक्सिस लोकेशन इज द लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ द एल्बो दैट इज रिलेटेड विद दिस वन। स्टेशनरी आर्म पैरेलल विद ह्यूमरस, यहाँ पे ह्यूमरस के साथ होगा मूविंग एंड इट इज रिलेटेड विद द रेडियस, इसलिए ये फिक्स होगा, इसको हम मूव करेंगे। शायद इसका पिक्चर मैंने लिया है लाइक दिस। या दिस इज द एक्सिस,
this is the moving arm of the goniometer, this is the fixed arm of the goniometer. यहाँ पे हम फ्लेक्स कर रहे, ये जो एंगल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला 150 तक नॉर्मली होता है इन द फ्लेक्शन. एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, यहाँ पे बेसिकली जब सुपाइन पोजिशन लेते हैं तो जस्ट फॉर द मूवमेंट्स ऑफ द आर्म, यहाँ पे हम किलो रखते हैं ताकि हम इसको अच्छे से काउंट कर पाए. बेसिकली जो एंगल्स होते हैं एल्बो में, दैट इज कॉल्ड एज एन कैरिंग एंगल, ये अलग होता है मेल्स और फीमेल्स में. इसलिए आप कभी ऑब्जर्व करोगे चलते वक्त तो जो कैरिंग एंगल फीमेल में होता है वो बड़ा होता है मेल से, इसलिए उनके हाथ थोड़े से लैटरली मूव होते हैं. अगेन दे हैव सर्टेन रिलेशन विद द हिप आल्सो. जो पेल्विस होता है वो एज कम्पेयर टू द मेल फीमेल का बड़ा होता है, इसलिए भी ये कैरिंग एंगल टू जस्ट इनकॉर्पोरेट विद द मोशन ऑफ एन बॉडी. जब हम चलते हैं तो उसको स्मूथनेस के उसको अच्छे से होने के कारण होना चाहिए. इस कारण भी उनका डिविएशन थोड़ा सा लैटरली होता है. दैट नॉर्मल स्ट्रक्चर दैट नॉर्मली इट्स रिलेटेड विद एन कैरिंग एंगल ऑफ द एल्बो, वो भी अलग अलग आपको मिलेगा. तो ऐसे कंडीशन में वो कॉमन रहेगा, लेकिन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ये नॉर्मली इसी पोजिशन में हम काउंट करते हैं. जस्ट राइट स्टार्ट विद द लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, दिस इज द फिक्स आर्म एंड दिस इज द मूवेबल आर्म. सेम जो एक्सटेंशन होता है, फ्लेक्शन बहुत ज्यादा है, दैट इज रिलेटेड विद 150 डिग्री. एक्सटेंशन जो होता है वो ज्यादा नहीं होता, हाइपर एक्सटेंशन की डिग्री हमने देखे है. दिस इज द नॉर्मल मीन्स अगर मैं खड़ा हूँ हमारे हाथ जो स्ट्रेट होते हैं, दिस इज इन द एक्सटेंडेड कंडीशन, हम उसको फ्लेक्स करते हैं, लेकिन हाइपर एक्सटेंड हम बहुत बार नहीं करते और ये नॉर्मली होता भी नहीं. लेकिन नॉर्मली इट कैन बी अप टू द 10-15 डिग्रीज ओनली. दिस इज हाइपर एक्सटेंशन एंगल एंड दिस इज द नॉर्मल वन. आप कैसे रखते हैं वो सेम है कि हम एक ही जगह पे उसको रखते हैं और पैरेलल विद रेडियस एंड द ह्यूमरस. देन इंपॉर्टेंट डिसीज दैट इज द नीस एल्बो, जो हमने बताया ये मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी कंडीशन में बेसिकली टेनिस प्लेयर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए उन्होंने उसको नाम दिया है कि टेनिस एल्बो करके. लेकिन ये बहुत सारे कंडीशंस में आपको मिलेगा. जब कभी हम ओवर यूज ऑफ द फोरआर्म होता है, जहां पे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट एज कम्पेयर विथ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ज्यादा प्रेशराइज होता है, ऐसे कंडीशन में टेनिस एल्बो या इन्फ्लामेशन ऑफ लैटरल एपिकोंडाइल्स हो सकता है. ऐसे कंडीशन में जो भी योगासन फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को स्ट्रेंथ देती है, ऐसे एक्सरसाइज इंडिकेटेड किए हैं फॉर द दिस स्ट्रक्चर. देन माइनर्स और द स्टूडेंट्स एल्बो, ये बहुत कॉमन इन्फ्लामेशन है ऑफ द एल्बो का. जैसे हम कभी स्कूल लाइफ में देखे होंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे हाथ रख के टेबल पे बैठे हैं, ये जो पोर्शन होता है ओलिफ्रोनम फोसा का वो टेबल पे ही टच होता है. जैसे मैं ऐसा बैठा हूँ टेबल पे हाथ रखते, तो ये कंटिन्यूसली वो टेबल पे रहेगा, उसका फ्रिक्शन होता रहेगा, इस कारण भी यहाँ पे एक बरसा होता है, वो इन्फ्लाम होता है. तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज स्टूडेंट एल्बो, अगर वहां पे इन्फ्लामेशन हुआ तो. ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसके लिए योगा नहीं रहता, लेकिन टेनिस एल्बो के लिए उन्होंने बोला है कि योगासन कर सकते थे. इसमें बहुत ज्यादा हम ये नहीं करते, सिर्फ फोरआर्म को स्ट्रेंथन देना है, तो इसके लिए एज सच कोई आसन नहीं है. लेकिन जब हम आसन की पोजिशन चेंज करते हैं, जैसे मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, मैंने आगे भी उसको एनलिस्ट किया है, या कोई और ये कर रहा हूँ, जैसे चाइल्ड पोज होती है कि हम हाथ आगे करके सिर को ये फोरहेड को फ्लोर पे रखते हैं और फिर वहां से हम सिर्फ उठते भी है, ऐसे कंडीशन में ये जो पोर्शन होता है ये हम एक्सटेंड कर रहे हैं रिस्ट को. जब हम एक्सटेंड करते हैं रिस्ट को तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है. दिस कंपार्टमेंट इज अ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट. ऐसे कंडीशन में कोई भी मूवमेंट हम जब रिस्ट को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आएंगी. यहाँ पे स्ट्रेंथ आने के कारण एल्बो की भी डिसीज ट्रीट होते हैं, क्योंकि एल्बो बिकॉज ये जो फोरआर्म के मसल्स है दे आर स्टार्टिंग विद द एल्बो स्ट्रक्चर्स मींस मेडियल एंड लैटरल एपिकोंडाइल. सो आगे दो तीन एक्सरसाइज भी मैंने ये दी है, दिस इज रिलेटेड विद एल्बो. देन नेक्स्ट जॉइंट दैट इज द wrist joint. This is present in between the forearm and the hand. Basically, anatomically, जब हम इसको portion upper limbs के divide करते हैं, तो this is the arm, forearm and hand.
जब हम डे टू डे लाइक एक्टिविटी में कभी हाथ करके बोलते हैं तो हम पूरा अपर लिम कंसिडर करते हैं. हैंड एनाटॉमिकली दिस इज जस्ट बिलो द व्रिस्ट जॉइंट. ओके, तो व्रिस्ट जॉइंट इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द हैंड एंड द फोरआर्म. ओके, इन आयुर्वेदा इट इज कॉल्ड एज अ मणिबंध. अगेन दिस इज ऑल्सो अ मर्म प्रेजेंट इन आयुर्वेदा. नाउ द टाइप्स, दिस इज द ellipsoid type of joint. Ellipsoid means दोनों side में ellipsoid structures होते हैं. Basically this joint is forming by at the upper segment the lower end of the radius articulating disc of an inferoradialular joint and at the lower aspect that is the scaphoid and the lunate and the tricuspid bones वो ये तीनों bones ये carpal में है. 8 carpal bones होती है wrist में. Radius नीचे के साइड में होता है. तो बेसिकली जब ये जॉइंट फॉर्म होता है तो यहाँ पे अल्ना डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता. दिस इज द अल्ना. वो आर्टिकुलेटिंग डिस्क के साथ यहाँ पे ट्राइक्यूलेटरल बोन है. दिस इज द स्कैफोइड, दिस इज द ल्यूनेट और ये ब्रिज जॉइंट है. ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस और अल्ना ये दोनों भी एक दूसरे के साथ फ्यूजन फॉर्म होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज एन रेडियो अल्नर जॉइंट. इसलिए जब हम सुपिनेशन प्रोनेशन करते हैं जिस इस टाइप की जब मूवमेंट करते हैं, दिस इज द सुपिनेशन. हाथ ऊपर है, इसको हमने छोड़ नीचे कर दिया. तो दिस इज द प्रोनेशन. ये जो मूवमेंट होती है ऐसे कंडीशन में जो मेन जॉइंट होता है दैट इज द रेडियो अल्नर जॉइंट. मींस ये दो जगह पे होते हैं, अपर सेगमेंट में भी होता है लोअर सेगमेंट में भी होता है. अलोंग विद दैट अगर हमको ये मूव करना है तो इसमें एल्बो जॉइंट भी काम आता है. जब अगर आप इसको एल्बो को प्रेस करोगे और इसकी ये मूवमेंट करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज द फ्लेक्सर और कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होते हैं. ठीक है, ये भी बहुत बार आप जैसे हम ये देखते हैं जैसे ब्रिज का हम किसी को ये वार्म अप के जो वैम्स ये एक्सरसाइज है. ठीक है, कि ये सिर्फ हम ब्रिज को घुमा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में भी आप अगर देखोगे तो ये जो है दैट इज डेक्यूरेटलिस. इसमें आपको प्रेशर दिखेगा. अगर सिर्फ आप हाथ घुमा रहे हो और यहाँ पे फिंगर रखिए डेक्यूरेटलिस पे, आपको दिखेगा कि ये प्रेशर या सिंपल जो ये होता है कि रिलैक्सिंग एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं किसी स्पोर्ट्स में चालू करने से पहले हम जो वार्म अप करते हैं ताकि इसमें भी वो प्रेशर क्रिएट हो कि हम ये भी जो होता है स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स में ये आता है कि ये पहले तो उसको रिलैक्स कीजिए और फिर मूव कीजिए. ठीक है, फिर बंद करके फिर हम दूसरी तरफ से मूव करते हैं. तो ये दोनों जो मूवमेंट्स है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों मूवमेंट में अलग अलग एरियाज में हमें प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखता है. Basically, this is the bridge joint forming the radius and the ulna. This is scaphoid, lunate, and tricuspid. Then they having several ligaments. That is the articular capsule. Then palmar ligament. Then articular capsule, that is the palmar carpal ligaments and dorsal. यहाँ पे दो ligaments है, that is palmar radio carpal ligament and palmar ulno carpal ligament and then dorsal radio carpal ligament, radial collateral ligament and ulnar collateral ligament. So basically ये जो structure है that is the palmar aspect, this is the dorsal aspect. Palmar aspect में दोनों जगह पर radio carpal that is related with the radius to carpal. Then ulno carpal that is related with ulna to carpal. यहाँ पे दोनों साइड में यहाँ पे अलग अलग लिगामेंट होती है. Then dorsal compartment में सिर्फ एक ही लिगामेंट उन्होंने दी है, that is the radio collateral ligament, means radius से लेके carpal bone तक. Then radial collateral ligament and ulnar collateral ligament. जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि median और lateral collateral ligaments था, तो same यहाँ पे जो radius को carpal के साथ attach होती है towards the radius. Aspect that is the radial collateral ligament. ये basically बाहर के side में होते हैं. Means एक तो पहले capsule होता है और collaterally दोनों side में present होता है. Capsule surround करता है. Capsule surround करता है wrist को at the upper and the lower segment. उसके बाद इसके strain देने के लिए बाजू में दो ligaments होती है. ठीक है, और आगे और पीछे भी ligaments होते हैं ताकि ये complete जब movement होती है. This is the movement called as the circumduction. तो इस movement में कंप्लीट मूवमेंट के वक्त ये पूरी लिगामेंट्स पार्टिसिपेट करती है. लेकिन अगर कुछ एक ही मूवमेंट कर रहे हैं, दिस इज अबडक्शन और रिडक्शन, ये जो मूवमेंट हो रही है दिस इज द रेडियल एंड द अल्नर डिविजन के आगे मूवमेंट्स में हम देखेंगे, तो वहां पे
एक लिगामेंट, एक साइड की लिगामेंट रिलैक्स होंगी, एक साइड की लिगामेंट स्ट्रेसफुल होगी या स्ट्रेंथन होगी। कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है वो मसल के साथ लिगामेंट्स का भी यहाँ पे होता है। तो दिस इज द लिगामेंट्स, दैट इज पाल्मर कार्पल रेडियो कार्पल फॉर्मल अल्नो कार्पल डॉर्सल रेडियो कार्पल रेडियल कोलैटरल लिगामेंट्स एंड द अल्नो कोलैटरल लिगामेंट। कहाँ कहाँ पे वो अटैच होता है यहाँ पे वो मैंने समराइज किया है, वो एज सच इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, जस्ट आई एम जस्ट समराइज द स्ट्रिंग एग्जैक्टली वो कहाँ पे अटैच होती है और कहाँ से निकलती है। तो रेडियस के स्टाइलेट प्रोसेस से पाल्मर कार्पल लिगामेंट ऑफ द स्कैफोल्ड और लूनेट, ये दो स्ट्रक्चर स्कैफोल्ड और लूनेट के रेडियल साइड में है, ट्राइक्यूट्रल या अल्नर साइड में, वो जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है उनके ही बाउंड्रीज पे वो अटैच होती है। यहाँ पे बोथ पाल्मर कार्पल लिगामेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी इंट्रा कैप्सुलर, बेसिकली उन्होंने बोला है कि वो इंट्रा कैप्सुलर प्रेजेंट होती है, पर ये कंसिडर्ड टू बी इन द सेंस वो इस तरीके से मर्ज होती है। बेसिकली अगर हमने ये डिसेक्शन में इसको सेपरेट करने गए एल्बो या किसी भी लिगामेंट को, तो इतने अच्छे तरीके से फ्यूज होते हैं वो सेपरेशन भी हम अच्छे से नहीं कर पाते, जैसे पिक्चर्स दिए हैं किताबों में उस तरीके से वो मिलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि हमें जो वाई शेप बैंड मिला था एल्बो जॉइंट में मेडियल लिगामेंट का, ये वाई शेप बैंड कैप्सूल के साथ अटैच होता है इसलिए, और ये कैप्सूल्स जो होते हैं वो उसी कलर में जो बाकी के लिगामेंट्स होते हैं उसी कलर में होते हैं। तो ये सिर्फ हम इमेजिन कर सकते कि यहाँ से यहाँ तक रन हो रहा है। बेसिकली अगर इसको अच्छे से सेपरेट किया जाए, अगर बॉडी फ्रेश रही जब हम अगर डिसेक्शन करने गए, तो ये लिगामेंट्स हमें ऐसे कैसे मिलेंगे, एमआरआई में 100% ये अच्छे से दिखते हैं। इसलिए बहुत बार अगर लिगामेंट टियर हुई, बेसिकली यहाँ पे लिगामेंट टियर नहीं होती, शोल्डर जॉइंट में होती है, जब हमने बताया था कि दैट टियर इज कॉल्ड एज अ रोटेटर कफ टियर, जो चार मसल्स होती है उसमें से कोई भी एक मसल्स के स्ट्रक्चर टियर हो सकता है, तो वो भी हम एमआरआई में यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज द डॉर्सल एस्पेक्ट, डॉर्सल रेडियो कॉल्पर लिगामेंट होती है, collateral ligaments, two collateral ligaments, that is the radial collateral and the ulnar collateral. इस तरीके से complete ligaments हमें मिलती है, that is the radial ligament, this one is the radial ligament, this one is the medial ligament, this is lateral one, then anterior radiocalliper ligaments, three bands में आपको मिलेंगे, anterior compartment में anteriorly वो करता है, this is the radius one and this is the ulna. In relation रिलेशन जो मसल्स हमने फोरआर्म में देखे हैं वही हमें यहाँ पे रिलेशंस में मिलेंगे। एंटीरियरली ऑल द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स, जितनी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स है 8 में से ऑलमोस्ट सिर्फ एक प्रोनेटर टेरिस छोड़ दिया, सॉरी प्रोनेटर टेरिस और क्वाड्रेटस प्रोनेटर क्वाड्रेटस छोड़ दी, तो सभी के टेंडन्स यही पे इंसर्ट होते हैं। बेसिकली एक टेंडन सबसे बड़ा हमें यहाँ पे मिलता है, दैट इज द पाल्मरिस लॉन्गस, ठीक है, जो यहाँ पे पाल्मर एपिनोरिसिस बनता है तो वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, दैट इज द सो एंटीरियरली ऑल एक्सटेंसर फ्लेक्सर टेंडन्स, पोस्टीरियरली ऑल एक्सटेंसर टेंडन्स, देन अलोंग विद देयर साइनोवियल शीट। अब लैटरली यहाँ पे रेडियल आर्टरी होती है, जैसे लास्ट टाइम ही मैंने बोला था कि जब हम पल्स काउंट करते हैं, दिस इज द रेडियस, यहाँ पे हम पल्स काउंट करते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे फिंगर रख के देखोगे इस पोर्शन में तो आपको रेडियल आर्टरी मिलेगी, ये लैटरली एल्बो ब्रिस्ट के ही ऊपर हमें मिलती है। यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, ये हमने जब लैंडमार्क भी पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि इसको एक्सटेंड कीजिए, यहाँ पर आपको एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मिलेगा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एन एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। यहाँ पे भी बेस पे रेडियल आर्टरी की एक ब्रांच आपको पल्पेट होती है, पर वो बेस पे होने के कारण उसको बहुत ज्यादा प्रेस करना पड़ता है, पल्पेट होंगी रेडियल आर्टरी यहाँ पे रेडियस के एंटीरियर लोअर एंड एंटीरियर सर्फेस में हम आराम से पल्पेट कर सकते हैं। तो ये आपको लैटरल रिलेशन में आपको हमें ये आर्टरी भी मिलेगी। ब्लड सप्लाई आर्टरल आर्टरीज वहाँ पे बेसिकली जो रेडियल और अल्नर दोनों आर्टरीज होती है उसके ही ब्रांचेस होती है। नर्व सप्लाई एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, बेसिकली यहाँ पे हमने तीन मेन नर्व देखी थी, दैट इज रिलेटेड विद मस्कुलर क्यूटेनियस अल्नर मीडियन एंड द रेडियल नर्व, आगे जाके उन्हीं के ब्रांचेस जो मेडियन नर्व होते हैं उसी के ब्रांचेस होते हैं एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। अब बेसिकली इंट्रोशियस मींस रेडियस और अर्ना, जब दोनों बोन फ्यूज होते हैं उसके बीच में एक गैप होती है जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से फिल होती है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन एंटीरियरली जो नर्व है दैट इज रिलेटेड विद एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, उसके पोस्टीरियरली जो होती है दैट इज पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, उसी से जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आते हैं वही ब्रिज जॉइंट सप्लाई करता है। इन मूवमेंट्स यहाँ पे
एल्बो ज्वाइंट के मुकाबले थोड़े से ज्यादा मूवमेंट है स्टार्टिंग विद फ्लेक्शन फ्लेक्शन इसके पिक्चर्स दिख लेते हैं इजी जाएगा यहाँ पे अगेन एंगल बढ़ गया दैट इज फ्लेक्शन कम हो गया हाइपर एक्सटेंशन सेम मूवमेंट्स अबडक्शन अडक्शन टुवर्ड्स द बॉडी इज अडक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी दैट इज अबडक्शन तो ये जो मूवमेंट है ये वाली या इस तरीके से जो मूवमेंट करके दैट इज अबडक्शन अडक्शन फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो ये अगेन नाम के हिसाब से ही मसल्स यहाँ पे ये होती है जैसे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल है कंप्लीट फ्लेक्शन में काम में आएंगी देन मूवमेंट असिस्टेड बाय यहाँ पे जब हम मूवमेंट करते तो सिर्फ फोरआर्म की मसल्स हैम्पर नहीं होती हम की भी जो हमने फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स देखी है यहाँ पे भी 20 मसल्स होती है इतनी काम में नहीं आती पर यहाँ पे दो मेन मसल्स है दैट इज फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में रेडियल साइड की एक अल्नर साइड की जो फ्लेक्शन में आएंगी पल्मरिस लॉन्गस ये सेंटर में होती है ठीक है इसके पिक्चर्स मैंने दिए हैं दिस इज द पल्मरिस लॉन्गस दिस वन इज पल्मरिस लॉन्गस दिस इज फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस अल्नर साइड में दिस इज फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस दिस इज पल्मरिस लॉन्गस ये बीच में होती है तो ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स है इसलिए फ्लेक्शन में काम में आएंगी देन आप वही मसल्स के पिक्चर्स फिर से दिए थे एक्सटेंसर जब हम एक्सटेंशन करते हैं एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस देन एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस जब हमने ये मसल्स देखी है 12 मसल्स में इसमें 7 और 5 का डिवीजन था तो वहां पे एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस तो ये दोनों मसल्स सिर्फ टेंडन का जो डिफरेंस होता है उस कारण यहाँ पे दो मसल्स है अलॉन्ग विद दैट वी हैविंग अनदर मसल दैट इज द ब्रैकियो रेडियलिस ठीक है ये भी एक्सटेंशन में आती है अलॉन्ग विद द एल्बो टू रिस्ट ये भी एक्सटेंशन में आएंगी अबडक्शन इंटरनेट प्रॉब्लम है ये दोनों अडक्शन मींस अल्ना के साइड की मूवमेंट है सो दे हैविंग टू मसल दैट इज फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस सर्कमडक्शंस कंप्लीट मूवमेंट्स है ये कंप्लीट मूवमेंट है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स तो यहां पे एक्सटेंशन भी है फ्लेक्शन भी है अबडक्शन भी है अडक्शन भी है यहां पे ये पूरी मसल्स इन्वॉल्व होती है These are the muscles. Again, I just enlisted the same figures of the previous slides. ऐसे सबसे बाहर यहाँ पे जो हमें मिलेंगे उसी के नीचे दो muscles हैं. That is extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis. This is extensor digitorum. Then this is extensor carpi radialis. This is supinate anconius at the posterior segment. और ये जो green color की muscles हैं, that is digitis minimi. तो ये muscles deviation में काम में आती है तीन muscles main. सेम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स है दीज आर द आउटकोटिंग मसल्स ऑफ द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ये आउटकोटिंग मसल्स दे आर रिलेटेड विद द मूवमेंट्स ऑफ द थंब ओनली नॉट विद द रिस्ट दिस इज द मूवमेंट फ्लेक्शन नॉर्मली इट इज इन द एक्सटेंशन फ्लेक्शन हाइपर एक्सटेंशन अबडक्शन अडक्शन एंड अगेन हाउ वी आर जस्ट काउंटिंग दिस मूवमेंट दिस इज द रेंज ऑफ मूवमेंट यहाँ पे इस तरीके से हम गोनियोमीटर रखते हैं बेसिकली इट इज ओवर द लैटरल ट्राइक्यूटल बोन फॉर द एक्सटेंशन दिस इज लैटरल ट्राइक्यूटल ये बोन फॉर द एक्सटेंशन दिस इज द फ्लेक्शन दिस इज द एक्सटेंशन इस तरीके से हम इसको काउंट करते हैं मूवमेंट करते हैं नॉर्मल पहले तो नॉर्मल पोजिशन में रखते दिस इज द फिक्स आर्म दिस इज द मूवेबल आर्म यहाँ पे लिस्ट करते वक्त हमने बोला है कि यहाँ पे parallel with ulna and parallel longitudinally with the fifth metacarpal bone while in the extension iski jo normal jo range hoti hai that is 0 to 70 degree yaha pe niche maine har moment mein elbow joint ke waqt maine batana bhul gaya yaha pe link di hai link pe click karne ke baad hum ye dekh sakte hai ki actual moment kaise ho sakte hai shayad agar abhi dekh paaye nahi abhi nahi ho raha ye link mein direct click karne ke baad wahan pe video aayega basically
कि हम काउंट कैसे करते, हर वीडियो की लिंक मैंने उसी के मूवमेंट के नीचे दिया, जैसे रिस्ट एक्सटेंशन है, अगर हमें ये रेंज ऑफ मोशन में काउंट करना है तो ये लिंक हमें मिल जाएंगी, ये पूरी इंफॉर्मेशन है, उसके नीचे उसका वीडियो है यूट्यूब का, सेम इसके पिक्चर एक्सटेंशन और ये हम कैसे काउंट करते हैं, यहाँ पे फ्लेक्शन दिया है, फ्लेक्शन नॉर्मली 75 डिग्री तक होता है, गेन पैरेलल तक इसको रखते हैं, पैरेलल विद डलना रखते हैं, इस लिंक में फ्लेक्शन का वीडियो हमें मिल जाएगा, ब्रिज फ्लेक्शन हम कैसे काउंट करते हैं, सेम रेडियल डेविएशन लिंक दी है, ये जो डेविएशन होता है रेडियल डेविएशन आउटवर्ड्स दैट इज अप टू द 20 डिग्री नॉर्मली, अब यहाँ पे जो फिक्स्ड आर्म और मूवेबल आर्म होता है वो अलग अलग जगह पे हम रखते हैं, इसका भी यूट्यूब की लिंक नीचे दी है, अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन यू कैन जस्ट सी दिस वीडियोस देख के वो एक्चुअली प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं वो अच्छे से दिख पाएगा, इसलिए हर एक का वीडियो का लिंक मैंने नीचे लिया है, सेम अल्नर डेविएशन यहाँ पे रखते हैं कितना नॉर्मली होता है, अब हम ये मूवमेंट भी देखेंगे तो अल्नर साइड में ज्यादा होता है मूवमेंट, ये हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, जैसे मैं अभी अबडक्ट कर रहा हूँ, ये मूवमेंट एज कम्पेयर विद रेडियल डेविएशन ये ज्यादा है, इसलिए नॉर्मली यहाँ पे डिग्री अगर देखोगे यहाँ पे 20 डिग्री तक वो नॉर्मली मूव सकता है, अल्नर डेविएशन दैट इज अप टू द 30 इट्स नॉर्मल वन, बेसिकली ये जो है डिग्रीज या किसी चीज जैसे जो कैप्सुलाइटिस हमने शोल्डर जॉइंट में देखा था कि वहां पे मूवमेंट नहीं हो पाती, लेकिन ये जो मूवमेंट है ये नॉर्मल स्ट्रक्चर में होता है, पर अगर आपका फ्रैक्चर है जैसा भी मेरा ये यहाँ पे वॉल्वर बॉटम फ्रैक्चर था, प्लेट डाली थी यहाँ पे इंसिजन है, अगर मेरा हाथ आप देखोगे बेसिकली विद दिस जॉइंट, जब हम हाथ आगे रखते हैं हमारी उंगलियां स्ट्रेट होती है, लेकिन ये कंडीशन में मेरी ऑपरेशन के कारण नहीं, तो बेसिकली ऑपरेशन होने के बाद जो हम फिजियोथेरेपी करते हैं थोड़ा सा नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ गया, इसलिए मैंने फिजियोथेरेपी बंद कर दिया था, इसलिए अभी नॉर्मली मेरे ये जो हैंड ये है, ये देखिए अगर मैं ऐसा हाथ रखूंगा तो ये उंगलियां स्ट्रेट है, ये हाथ में आप देखेंगे कि ये लैटरली डेविएट हुई है, उसके बाद भी ये प्रोमिनेंस दिखता है, तो अगर फिजियोथेरेपी प्रॉपरली नहीं हुई, जैसे अगर अब मैं रेडियल डेविएशन करने गया तो मेरी रेडियल डेविएशन होता ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में अगर ट्रॉमेटिक कंडीशन है तो ये नॉर्मल डिग्री कितनी होनी चाहिए, नहीं हो रही, अभी कैसा है ये कंडीशन में अगर मैंने अभी से योगासन स्टार्ट कर दिए तो शायद कुछ सालों बाद ये नॉर्मल हो सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे एडिजेंस हो गए हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है एडिजेंस, इसको निकालना, ठीक है, इसलिए ये जो मूवमेंट नॉर्मल अगर ट्रॉमेटिक कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे एडिजन नहीं हो रहा, कैप्सुलाइटिस फॉर्म नहीं हो रहा, तो ये मूवमेंट्स नॉर्मली हैम्पर नहीं होती, एबनॉर्मली मीन्स एक्सीडेंट के बाद अगर ये हैम्पर हो रही है तो ये मूवमेंट्स हमें पता होनी चाहिए कि हम कहाँ तक इसको डेविएट कर सकते हैं और कहाँ तक करना है, यहाँ तक हम योगासन कर सकते हैं प्रॉपरली, दिस इज द एंगल्स, इसका भी मैंने लिंक दिया है, देन आसनास, बेसिकली जो आसन लास्ट टाइम मैंने दिया था उसके दो आसन हमने यहाँ पे देखे, क्योंकि अभी जब हम कोई भी आसन करेंगे तो जब जैसे मैं प्रोन पोजिशन में कोई भी आसन कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर लिया है दिस वन, ये कंडीशन में बेसिकली इट्स रिलेटेड विद द वर्टिकल कॉलम अगेन, ठीक है, शोल्डर जॉइंट भी यहाँ हुआ है, फ्लेक्स ऊपर के साइड में, व्रिस्ट की मूवमेंट देखिए, व्रिस्ट यहाँ पे नॉर्मली एक्सटेंड पोजिशन में है, लेकिन यहाँ से अगर मैं पोजिशन चेंज करता हूँ, यहाँ पे एक्सटेंशन में है, यहाँ से मैंने पोजीशन नॉर्मल आने को जब आऊंगा तो सबसे पहली मूवमेंट ये ब्रिस्ट से होती है, ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में ब्रिस्ट की मूवमेंट ही हमें फोरआर्म की स्टेबिलिटी देती है, बेसिकली ये पिक्चर डालने का मोटिव ये है कि हम ब्रिस्ट या एल्बो के लिए पर्टिकुलरली कोई भी आसन नहीं करते, तो बाकी जो आसन करते हैं वही आसन यहाँ पे भी काम में आते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोई भी मूवमेंट हम करेंगे, जैसे इसके बाद ये वाला आसन है, ठीक है, अब यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है ब्रिस्ट, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली आसन हम क्यों कर रहे हैं, फॉर द शोल्डर, विदाउट यूजिंग द मूवमेंट ऑफ दिस ब्रिस्ट जॉइंट ये आसन हम कर ही नहीं सकते, तो बेसिकली ब्रिस्ट और एल्बो के लिए अगर कोई आसन हमें करना है तो दिस इज द बेस्ट वन, जैसे यहाँ पे सन सैल्यूटेशन है, सूर्य नमस्कार का पिक्चर मैंने दिया है, ठीक है, अब यहाँ पे हर पोजिशन में जैसे पर्टिकुलरली ये जो है सूर्य नमस्कार वर्टिब्रल कॉलम के डिसीजेस में सबसे कॉमनली यूज होते हैं, स्ट्रेंथ जो होती है
बैक से लेके एंटीरियर एब्डोमेन तक हर मसल की स्ट्रेंथ हम सन सैल्यूटेशन में देख सकते हैं। बेसिकली इस पर रिसर्चेस भी बहुत हुए हैं। उन्होंने रिसर्च करते वक्त इतना ही बोला कि हमें अगर बॉडी मसल स्ट्रेंथन देनी है हम कौन सा आसन कर सकते हैं, कौन सा योगा कर सकते हैं, तो दिस इज द बेस्ट आसन कोई भी बॉडी के मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए। शायद उसके लिंक मैंने दी है, तीन लिंक मैंने इसके लिए दिया है, तीनों में से मुझे याद नहीं कि कौन सा गंड सैल्यूटेशन पे है। एक टेनिस एल्बो पे है, एक सन सैल्यूटेशन का आर्टिकल है, और एक जो नीचे वाला आर्टिकल है वो मेरा आर्टिकल है कि सूर्य नमस्कार हम बेसिकली कौन से पोजीशन से कौन से पोजीशन में आते हैं और उसके बाकी के मस्कुलर स्केलेटन छोड़ के भी बाकी कौन कौन से उसके इम्पोर्टेंस है हम क्यों कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मूवमेंट्स अगर हम देखेंगे बेसिकली इन दिस कंडीशन, ये देखिए दिस इज द फिफ्थ आसना, दैट इज द साष्टांग नमस्कार आसन। अब यहाँ से जब हम भुजंगासन में जाते हैं, दिस वन सिक्स्थ वन, तो ये वर्टिकल कॉलम को भी स्ट्रेंथ देता है, पर ये स्ट्रेंथ देते वक्त जो सबसे पहला प्रेशर हम दे रहे हैं दैट इज ऑन द ब्रिज ज्वाइंट, ठीक है, और ब्रिज ज्वाइंट से हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। ऐसे कंडीशन में ये जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है फोर आर्म का, ये स्ट्रेंथन होता है अलॉन्ग विद द वर्टिकल कॉलम, क्योंकि डायरेक्टली जब हम बेसिकली आसन करते हैं तो आसन करने के बाद ऐसा बोला है कि जब तक हम कैपेबल है उसको करने के लिए तब तक हमें वो करना है। जैसे अगर मैं पद्मासन में बैठा हूँ इसके लिए 10 मिनट सफिशियंट है, क्योंकि आधा घंटा भी बैठ सकता है जिसकी कैपेसिटी जितनी है। तो वैसा ही सेम है कि हम कोई भी आसन करने के बाद 2 मिनट ठहरते हैं, ऐसा ठहरने के बाद भुजंग आसन हमने किया तो जो बैक के मसल्स है वो स्ट्रेंथन रहेंगे, अलॉन्ग विद दैट वी आर हैविंग प्रेशर ऑन द फोरआर्म आल्सो, ठीक है। मींस मेन आसन हम कर रहे हैं फिट के लिए, लेकिन दे आर जस्ट एग्जर्टिंग द प्रेशर। इन सेम ये कंडीशन में सेवंथ आसन दैट इज द पर्वतासन, भुजंगासन से हम पर्वतासन में गए, ठीक है, पर्वतासन में अगेन वर्टिब्रल कॉलम बेंड हुआ। ऐसे कंडीशन में भी रिस्ट की मूवमेंट सबसे कॉमन होती है एक्सटेंशन टू फ्लेक्शन, इस कारण यहाँ पे भी प्रेशर एग्जर्ट होता है और सबसे ज्यादा प्रेशर जो बैक कंपार्टमेंट ऑफ द थाई और लेग होता है वहां पे यहाँ पे क्रिएट होता है जब हम हील फ्लोर को टच करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीजें, उसके बाद ये अगेन यहाँ पे फ्लेक्शन में आए, यहाँ पे अगेन फ्लेक्शन में आए नमस्कार आसन, यहाँ पे भी ये दोनों जो प्रेशर हम एग्जर्ट करते हैं ये भी फ्रंट ऑफ द आर्म को ये क्रिएट करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। नमस्कार आसन से लेके भी कोई भी आसन हमें अगर एल्बो और ब्रिस्ट के लिए करना है, बेसिकली ये पोर्शन स्ट्रांग है तो एल्बो भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि रिलेशन में यही स्ट्रक्चर से मिडिल एपिकोंडल लैटरल एपिकोंडल कॉमन फ्लेक्सर वन कॉमन एक्सटेंसर वन, ये अगर स्ट्रांग रहा हम ब्रिस्ट की मूवमेंट भी प्रॉपरली कर पाएंगे और एल्बो की मूवमेंट भी प्रॉपरली कर पाएंगे। एनलिस्ट करते वक्त ऐसे पर्टिकुलरली अगर आप किसी को पूछने गए कि हमें ब्रिस्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो हम कौन सा आसन करेंगे, ऐसा पर्टिकुलरली एक आसन नहीं बोल सकते, कोई भी आसन हमने लिया तो दे आर द अमोल सर आप म्यूट हैं। एक आसन नहीं लिखा, जब हम प्री एक्सरसाइज करते हैं वार्म अप करते हैं तब हमने बहुत सारे आसन देखे कि ब्रिस्ट जॉइंट के लिए हम ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट कॉमनली होती है। अगेन अगर मैंने फ्लेक्स किया एक्सटेंड किया तो ये जब आप फिजियोथेरेपी को जाते होंगे तभी गए होंगे ब्रिज जॉइंट के लिए, तो ये जो हाथ अगर हमने सिर्फ दीवार के ऊपर प्रेस भी किया तो ऐसे कंडीशन में भी जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है वो भी स्ट्रांग होता है। तो पर्टिकुलरली आसन नहीं लेकिन जो प्री एक्सरसाइज होती है वो ब्रिज जॉइंट के बारे में बहुत सारी दी है। जैसे ये आसन है, ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे हमने इसको प्रेस किया तो ऐसा प्रेस करने के बाद भी ये फोरआर्म स्ट्रांग होता है। वो मुखासन है, वो मुखासन में हम ये पीछे के ओर में जब हम इसको फ्लेक्स करते हैं ये दोनों को बनाते हैं, ठीक है, तो ये भी प्रेशर एग्जर्ट करता है एक दूसरे के साथ। तो पर्टिकुलरली आसन नहीं लेकिन हर आसन में ब्रिज ज्वाइंट या आर्म या फोरआर्म की ये जो
मसल्स होती है वो स्ट्रेंथन होती है. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. यहाँ पे दो तीन रिसर्चेस बेसिकली दिए हैं. थर्ड वन दैट इज द आसनास कैसे कैसे चेंज करते हैं. सूर्य नमस्कार में देखते हैं. फर्स्ट वन दैट इज रिलेटेड विद द स्टूडेंट्स एल्बो जिसमें हमको कौन से आसन करने चाहिए. बेसिकली दे आर जस्ट इंडिकेटेड द उन्होंने पार्टिसिपेंट्स लिए है. एक शायद वो आर्टिकल मैंने नहीं लिया. केरला में उन्होंने एक सर्वे किया था कि कौन सा फ्रंट एल्बो में कौन कौन से सॉरी स्पोर्ट्स प्लेयर में कौन सा इंजरी सबसे कॉमन होती है. तो दैट इज रिलेटेड विद द स्टूडेंट्स एल्बो. अगेन गोल्फर प्लेयर लिए थे उन्होंने. वॉलीबॉल प्लेयर लिए थे. टेनिस प्लेयर लिए थे. और एक कंडीशन में अच्छा आपका जो आर्टिकल है ना सूर्य नमस्कार के बारे में. हाँ सर. उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं. एक्चुअली सर मैंने सिर्फ इतना ही किया था. उसमें रिव्यू आर्टिकल था. ओरिजिनल आर्टिकल नहीं था कि हम आसन कैसे करते हैं. बेसिकली हमें पता है कौन से करते हैं लेकिन किस तरीके से हम मूवमेंट करते हैं. मीन्स एक आसन से दूसरी तरफ जाते वक्त मूवमेंट क्या होती है. दो इसमें उसको मैंने डिवाइड किया. फर्स्ट इसमें उन्होंने उतना ही दिया मैंने कि हम मूवमेंट्स में क्या क्या करते हैं. और सेकंड आसन में रिव्यू कलेक्ट करते हैं ऐसे क्या कि एक आसन से दूसरे वक्त तक जाते वक्त हम जो मूवमेंट जैसे हम नमस्कार आसन से अधोमुख आसन में गए तो जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है. तो उससे क्या हो सकता है. जैसे डाइजेशन प्रॉपर हो सकता है. ये सिर्फ मैंने एनालिस्टिंग करके रिव्यू किया है. सिर्फ रिव्यू आर्टिकल है. ओरिजिनल आर्टिकल इसमें नहीं है. वो आर्टिकल हार्डली दो तीन पेज का है. उसमें लिंक वहाँ पे दिया है. वो डिटेल में हर एक सेगमेंट वहाँ पे मैंने लिया है. नहीं वो कोई नहीं. रिव्यू आर्टिकल है दैट इज इक्वली गुड. मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि सूर्य नमस्कार जो है वो क्लासिकल टेक्स्ट में मेंशन नहीं है. सूर्य नमस्कार जो है जो ग्रंथ है योग के उसमें उसकी मेंशन नहीं है. ये रिलेटिवली रीसेंट मेरे ख्याल में 19th सेंचुरी में ही इसका इजाद किया गया था. परंतु ऐसा अभी पॉपुलैरिटी इसकी बहुत जबरदस्त है इस वक्त है ना. और ऐसा इसका दो तरह से माना जाता है. इसको अपन एक फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पे भी कर सकते हैं और उसको एक योग अभ्यास के तौर पे भी किया जा सकता है. मैंने आपके जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए अपने पिछले जो 12-18 महीने की जो अपने ग्रुप की हिस्ट्री है उसमें अपन ने सूर्य नमस्कार बहुत डेलिबरेशन किया. बहुत चर्चा की कि भाई इसको अपन इंक्लूड करें नहीं करें. अगर करें तो किस तरह से करें. स्लो एक्सरसाइज करें फास्ट रखें. तो हमारा जो निष्कर्ष जो मोटा मोटा था वो शायद यही था कि अगर हम सूर्य नमस्कार के मूवमेंट्स को हम स्लोली जेंटली विद अवेयरनेस करते हैं तो वो एक योगाभ्यास में कन्वर्ट किया जा सकता है. बिकॉज इट फुलफिल्स द कंडीशंस ऑफ यू नो द प्रैक्टिस भी होगा विच इज बेसिकली अवेयरनेस इन एवरी मूवमेंट. परंतु साथ में ये भी है कि इसके अगर थोड़ा फास्ट से करें तो यू नो एक व्यायाम के तौर पर भी किया जा सकता है. जो कि योग तो नहीं होगा पर आजकल थोड़े योग के साथ साथ कुछ लोगों को व्यायाम की भी जरूरत रहती है तो वो भी वो कंडीशन फुलफिल कर देता. तो विद दैट हिस्ट्री यू नो इतनी लंबी चर्चा कि तो इसलिए हम चाह रहे थे कि अगर आपके पास एक्सेस हो अभी तो हमें थोड़ा उसको आप किस पोस्चर में क्या आपकी जो रिव्यू का जो निष्कर्ष रहा अगर हो सके तो वी कैन टेक अस थ्रू दैट. हां सर एक मिनट. एक्चुअली मुझे भी आर्टिकल ओपन करके दिखना पड़ेगा. एक मिनट टेक योर टाइम. अगर हो सके तो कर ले. हां सर. हां सर. वो रिव्यू था इसमें मेरा कुछ नहीं था. जो जो मुझे नेट पर से मिला वो मैंने लिया था. नहीं सर दोनों की अपनी अपनी महत्व होता है. रिव्यू का बेसिकली सर अभी
पास जो पेशेंट है अभी आपने जो बातें मुझे बताई, बेसिकली मुझे भी हिस्ट्री पता नहीं कि वो सेटा में है नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा इस पे भी सर्च करूंगा, क्योंकि मैंने जो देखा कि हम जब बचपन से हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए जो बेनिफिट्स है उस पर मैंने आर्टिकल लिखा था, उसकी हिस्ट्री भी मैंने देखी नहीं। अब जैसे मैंने कुछ 4 महीने पहले पहली बार एक आसन सुना, जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं वैसे चंद्र नमस्कार करके भी एक सर ने मुझे बताया, उसपे भी मैंने नेट पे सर्च किया, मुझे ज्यादा कुछ मटेरियल उसका भी मिला नहीं, पर ऐसा बोलते कि ये भी बेनिफिशियल है, ये मैंने पहली बार ही सुना था, इसलिए वो भी मैंने अभी ज्यादा ये किया नहीं। पर यहाँ पे मैंने सूर्य नमस्कार तो हम बचपन से कर रहे हैं, इनफैक्ट मेरे पीसीओडी के 2-3 पेशेंट्स थे, उन्होंने उनको कंपल्सरी बोला कि आप सूर्य नमस्कार करो, तो उनमें भी अच्छे से रिजल्ट मिले हैं। जैसे एब्डोमिनल प्रेशर, ये भुजंगासन हम करते हैं, अधोमुखासन करते हैं, तो इसमें जो प्रेशर क्रिएट होता है एब्डोमिन पे, तो उसका शायद रिजल्ट मिलता होगा, क्योंकि बेसिकली अब योगासन बहुत बार लोगों को ऐसा होता है कि हम पेशेंट को जब बताते हैं, हेलो, पेशेंट को जब हम बताते हैं, यस, आवाज आ रही है सर? जी, आ रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम पेशेंट को बताते हैं कि आप व्यायाम कीजिए, तो बहुत बार वो टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो बेस जो 3-4 होते हैं कि हम एक्चुअली बोलते हैं कि आप साइकिलिंग कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, और नहीं रनिंग, और रनिंग साथ में जाइए, ये तीनों में से कुछ भी करिए। सेम अगर हम साइकिलिंग भी करते हैं तो जो पैरों की मसल्स या एब्डोमिन की मसल्स फिट होती है, जैसे यहाँ पे जो स्किन की लेयर होती है और फैट की लेयर होती है थाई और एब्डोमिन में, वो कंबाइन होती है, तो इसमें भी एब्डोमिनल कुछ डिसीज होंगे, तो जैसे सिर्फ पेट कम करना है तो इसके भी हम साइक्लिंग सजेस्ट करते हैं, ताकि वो फैट डिजॉल्व हो जाए, और अगर पेट अच्छा है तो बाकी के वैसे भी कंडीशंस नॉर्मल होती है, तो ऐसे कंडीशन में भी बहुत बार ये होता है। तो बेसिकली मैं बताते हुए बहुत बार सिर्फ इनको बोलता हूँ कि आप सूर्य नमस्कार, एटलीस्ट सूर्य नमस्कार कीजिए, उसमें मुझे अच्छे से रिजल्ट मिले हैं। आपने चंद्र नमस्कार की बात की, तो साबिर भाई आप हैं? जी, सुन रहा हूँ मैं। हाँ साबिर भाई, चंद्र नमस्कार मेरे ख्याल में आपकी वाकफियत अच्छी है ना उससे, तो थोड़ा सा चंद्र नमस्कार के बारे में बताएं कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सूर्य नमस्कार, और क्या मतलब आपका अनुभव कैसे रहा है इसके साथ? जैसे सूर्य नमस्कार में हम देखते हैं कि ज्यादा बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेंड है, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन इज देयर। चंद्र नमस्कार में आप साइड बेंडिंग पे और साइड स्ट्रेचेस पर ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे सर हमको बता रहे हैं कि भाई एडक्शन क्या है, एबडक्शन क्या है, तो वो एडक्शन की पोजीशन में आके स्ट्रेच करना, एबडक्शन की पोजीशन में आके स्ट्रेच करना, और स्क्वाटिंग की पोजीशन में आके स्ट्रेच करना, ये साइड फ्लो होता है। तो जैसे सूर्य नमस्कार में हम मैट के ऊपर ऐसे फेस करके खड़े रहते हैं, तो जब चंद्र नमस्कार की बारी आती है तो आप ऐसे फेस कर देते हैं, तो एंड यू फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, दैट कंप्लीट्स योर वन साइकिल। कभी मौका मिला तो आपसे करवा के लेंगे, बट इट इज रियली गुड। एट द सेम टाइम व्हेनेवर वी एडवाइज सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार, वन थिंग विच शुड बी ऑलवेज केप्ट इन द माइंड इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग द प्रैक्टिस, एंड एट द सेम टाइम द पीपल हैविंग लिमिटेशंस टू नी, लोअर बैक, शोल्डर एंड इवन रिस्ट, ये 4-5 जॉइंट्स ऐसे होते हैं कि मतलब जिसको लेकर जो है ना हम खास करके कहते हैं कि कुछ पोस्चर्स हैं वो आपको अवॉइड करने। जैसे सूर्य नमस्कार में भी जो है जो आपका अश्व संचालन, जैसे सर ने यहाँ पर लिखा दक्षिण पाद प्रसार आसन या फिर एक पाद प्रसार आसन, जिसमें ए वन लेग एक्सटेंशन इज डन, तो मेनी पीपल टेक देयर नीज बियॉन्ड द लाइन ऑफ द टोज वेयर ओवर फ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड इट मे नॉट बी गुड फॉर दैट नी, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और उसी तरह से जब हम चंद्र नमस्कार करते हैं तो उसमें 9th पोजिशन में एक अंजनेय आसन होता है, 10th पोजिशन में एक महावीर आसन होता है, तो ये दोनों पोजिशन के नी का फ्लेक्शन ओवरफ्लेक्शन हो जाता है, हम उसको जितना राइट एंगल सीमित रखेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, और जितना उसको ज्यादा अब जो यंग है उनके लिए तो कोई इश्यू नहीं है,
लेकिन जैसे कभी हमारे ग्रुप ले लें तो वी आर ऑल 45 प्लस तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन एंड रिजर्व. तो योग के अंदर एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इट्स नॉट द प्रैक्टिस बट हाउ टू डू द प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट. दिस आर द डिफरेंसेस दैट वी शुड कीप इन द माइंड व्हाइल गोइंग अहेड. तो एक दिन मैं आशुतोष सर के महेंद्र सर के सेशन के अंदर बॉम्बार्डिंग कर दूंगा और चंद्र नमस्कार ले लूंगा मैं. कल मंडे है सर. दैट इज द टाइम व्हेन आई एम नॉट फ्री. द प्रॉब्लम इज दैट एट द सेम टाइम आई विल मेक माइसेल्फ फ्री मंडे एंड देन आई विल कम इन. आई वुड जस्ट लाइक टू नो अभी भी आ जाइए सर. चंद्रवार है कभी भी आ जाइए. सर because I need to have demonstrator also with me. So my wife is a very able demonstrator. मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता जितना वो अच्छा करती है. तो उसको देखकर आप लोग imitate करके practice भी कर सकते हैं जैसे मैं आपको dictate करूंगा instructions दूंगा. So that will be a nice thing to go ahead with. और एक बात मैं हाँ sorry sir बोलिए. That's why I think Sunil ji emphasize that can it be adopted with the awareness concept. Always. So that would be integrated in a yoga system instead of taking as a sukshma vyayam or other way. The awareness aspect should be integrated. Matlab we should be aware how much we can bend, you know, to the. So that's, I think that's what Sunil ji, am I? Absolutely right, sir. See, awareness ka sir dual benefit hai. Pehli cheez to by definition yoga is all about awareness. Yes, so awareness karne mein yoga abhyas hota hai. दूसरी चीज सर फ्रॉम अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अवेयरनेस से करने में तुरंत अगर हम कहीं कुछ या तो गड़बड़ कर रहे हैं या हम कहीं ओवर या अंडर एक्सटेंड कर रहे हैं जैसे साबित भाई ने बात की भाई ओवर फ्लेक्स हो जाता है अगर हम एक सर्टन लाइन के आगे पीछे हो जाए तो अवेयरनेस में करने में बॉडी अपने सिग्नल दे देती है. सो इन ड्यू कोर्स अवेयरनेस करने में टेक्निक भी जो है करेक्ट हो जाती है आई थिंक. और अच्छी अवेयरनेस हो तो शायद सेल्फ करेक्ट भी हो जाती है और अगर इंस्ट्रक्टर का ओवरसाइट में करते हैं तो फिर तो और ज्यादा. तो आई हैव बीन अ वोटरी ऑलवेज ऑफ डूइंग आई एम नथिंग बट आई मीन जैसा अपने को सिखाया गया है कि जो चीज करें अवेयरनेस के साथ करें. और अब ये जैसे कि अमोल सर ने भी बोला कि भाई सूर्य नमस्कार के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी उनके प्रैक्टिस में उन्होंने काफी देखने को मिले हैं. तो सूर्य नमस्कार इज जस्ट मतलब जस्ट हैपेंस टू बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ आसनास बट सभी चीज अवेयरनेस के साथ करना ही अच्छा है. सूर्य नमस्कार में जो हस्तोत्तानासन की स्थिति है जो वी टेक इट एज नंबर टू पोजिशन समवेयर इट इज कॉल्ड एज नंबर वन एंड नमस्कार आसन इज टेकन एज स्थिति. तो व्हेन वी गो फॉर रेजिंग ऑफ द हैंड्स एंड बेंडिंग बैक there is overextension and compression taking place at the lower back region and many kind of injuries have taken place extension. So wahan par bhi humko jo insaan kar raha hai uske ability flexibility muscle strength ko dhyan mein rakhkar wo extension karna hota hai. Bacche hain naujawan hain sharir ke andar garam khoon hai unko itna ehsaas nahi hoga but when it comes to 35 plus category we have to be very much alert as we have been talking about. Aur Dr. Amol se main ye puchna chahta hu 2016 to 2019 teen saal mere bahut takleef se guzre because of regular practice right from 2006 to 2015-16 you can say. Aur uske andar mayurasan matlab pura haath pe load aise haath rakhna aur fir जैसे आपने अभी ये बताया अधोमुख श्वानासन जिसको हम पर्वतासन कहते हैं तो वो अधोमुख श्वानासन की स्थिति में हाथ के ऊपर प्रेशर फिर पूर्वोत्तानासन में फिर से हाथ ऐसे होकर आप उसके ऊपर प्रेशर ले रहे हैं. एक एक वक्त ऐसा आ गया द मसल्स कनेक्टिंग द अल्ना टू द रिस्ट वॉज डैमेज्ड एंड आई वॉज नॉट एबल टू कीप माय पाम्स ऑन द फ्लोर इवन फॉर सिंपल मार्जरासन. तो डेमोन्स्ट्रेशन की बात तो दूर प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा. तो आई हैड टू लिमिट माई सेल्फ फॉर 2 to 3 years ओनली सुपाइन पोस्चर्स
एंड नेवर टेक द वेट ऑन द हैंड्स। और उसके बाद में भी जब डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि साबिर भाई अभी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप जितना एक्रोबैटिक एक्शन पहले किया करते थे, अब वो सब वो योग नहीं है बोले, बिकॉज नाउ इट इज नॉट गुड फॉर यू योर हेल्थ ऑफ रिस्ट एज इट इज नाउ। तो उसके बाद में हमारा मयूर आसन बंद। अब सूर्य नमस्कार करते भी हैं तो अधोमुखासन तक सीमित रहते हैं, वो अच्छा लगता है। साष्टांग आसन में जाते हैं, अगर कभी आपने 12 राउंड से ज्यादा समझो किसी दिन 18 राउंड कर लिए तो हाथ के ऊपर उसका असर दिखने लगता है और दूसरे दिन ऑटोमेटिकली वो हल्की सी सूजन आ जाती है। तो विद एज सर्टेन थिंग्स वी हैव टू पिक इन आवर माइंड। हाँ, अगर आप हाँ बोलिए, स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं अभी सूर्य नमस्कार लास्ट 1-2 साल से नहीं कर रहा हूँ और अगर मैंने आज से पहले से स्टार्ट कर दिया और मेरा पहले मैं 12-13 राउंड कर लेता था, पर अगर मैं आज करूंगा तो 100% जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है मसल्स पे वो अभी बॉडी सहन नहीं कर पाएंगी, तो वो स्ट्रेच होंगी ही होंगी। इसलिए मैंने तभी बोला था कि कुछ लोग पद्मासन में 10 मिनट बैठ सकते हैं, कुछ लोग आधा आधा घंटा आराम से बैठ जाते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन अगेन द प्रैक्टिस एंड स्ट्रेचिंग। मैं अगर पहले आधा घंटा बैठता था और मैंने बीच में 2 साल नहीं किया और मैं आज अगर सोचूंगा कि मुझे आधा घंटा बैठना है तो 100% वो ज्यादा स्ट्रेच होगा। जैसे मयूरासन है तो उसमें रिस्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, हम पूरा उसी के ऊपर है। तो ये जो बेसिकली लिगामेंट टियर जो डॉक्टर ने हमें बोला, आपको बोला, तो वो वही है कि ओवर स्ट्रेच हो गया, यानी हम कर पा रहे हैं लेकिन उसका ज्यादा उपयोग हमने कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। तो बेसिकली हर आसन, जैसे हम बोलते हैं कि आसन में होने के बाद आप जब तक उसमें रख पाओ, जैसे हम सुखासन बोलते हैं, हर पर्सन टू पर्सन ये वैरी होता है। हम भुजंगासन कर ले तो किसी में एक मिनट वो ज्यादा से ज्यादा कर पाएगा, किसी में 30 सेकंड ही वो कर पाएगा। तो ये लिमिट पर्सन टू पर्सन वैरी होती है, और ये खुद वो पर्सन को पता होती है, वो आगे वाला भी नहीं बता सकता कि ये आपको कितने मिनट करना। जैसे आपने बोला कि हम अभी मैं वृष्ट के कारण वो नहीं कर पाता, कि मैं लिमिटेशन में कर पाता, तो सेम मेरा भी वृष्ट फैक्टर डिसलोकेट था, ये था। तो मैं जब ये सर्व साष्टांग नमस्कार से भुजंगासन पे जाता हूँ तो वो प्रेशर क्रिएट होता है, तो थोड़ा सा वो एडजस्ट करना पड़ता है। वो हम जो नॉर्मल स्थिति है वो हम नहीं कर पाते, और ट्राई भी किया तो वो 100% है कि वो उस पे प्रेशर क्रिएट करता है और वो दूसरी इंजरी भी क्रिएट कर सकता है। तो वो लिमिटेशंस पर्सन टू पर्सन वैरी होते हैं। दूसरी चीज ये भी कर सकते सर, जैसे हमारे इसमें हम अभ्यंग करके जो ये करते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है सिर्फ आसन से ना देखे, अगर हम स्नेहन स्वेदन करें, मींस नहाने के पहले पूरा अभ्यंग करें, यानी पहले के जमाने में जो पुराने वैद्य है वो करते थे ऐसा कि वो रोज नहाने से पहले पूरा अभ्यंग के हाथ से कुछ तेल लगाना, फिर गर्म पानी से नहाना, क्योंकि ये भी एडिशनल ये देता है स्ट्रेंथ जो है, जो फ्रिक्शन ऑफ मूवमेंट होती है मसल्स की बोन्स, तो ये भी फ्रिक्शन वो भी एडिशनल सपोर्ट देता है योगासन। यू नो डॉक्टर मोहन, अभी मैं बिल्कुल इस चीज का सत्यार्पण करूंगा, सर्टिफाई करूंगा इस चीज को जो आपने अभी कहा। मैं अभी पंचकर्म की एक दौड़ से गुजरा, लगभग 3-3.5 हफ्ते के दौड़ से, और ये अनुभव मैंने अब मैं धीरे धीरे महसूस कर रहा हूँ कि जॉइंट्स के अंदर एक थोड़ा लचीलापन रिलेटिवली पहले से अब ज्यादा महसूस हो रहा है। हालांकि अभी भी क्योंकि 10 ही दिन हुए हैं तो बोला ऐसा गया है कि भाई आप बिल्कुल बिल्कुल जेंटल अब शुरू कीजिए, ज्यादा बिल्कुल स्ट्रेन नहीं करना। पर इवन करने के अंदर मैं देखा कि यू नो फॉरवर्ड बेंड में जो पहले अगर जरा थोड़ा यू नो एक स्ट्रेच की फीलिंग आती थी, अब वो इट इज मोर प्लेजरेबल। तो ऑयल के एप्लीकेशन जो लास्ट 7 दिन जो है वो प्रेटी मच बेसिकली ऑयल ट्रीटमेंट्स ही थे, तो उसके बाद में मेरे को थोड़ा फर्क महसूस हो रहा है फ्लेक्सिबिलिटी में। सो आप ये जो अभ्यास की बात कही, आई एम श्योर सर, अभी मैंने जो बोला कि एडेशन हुआ है तो सिंपल हम मालिश भी नहीं किया तो एक तेल धारा करके ये आता है, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट आता है, कुछ नहीं सिर्फ तेल की धारा हमें यहाँ पे छोड़नी है, पोषण जो थोड़ा सा गर्म है, कुनकुना जो तेल है उसकी धारा भी हम अगर इस पे छोड़ेंगे तो ये भी जो एडिशंस है ये धीरे धीरे कम होता है।
बहुत बार जैसे आपने तेल जानू बस्ती वगैरह हमने लास्ट टाइम बोला था, अच्छा तेल बस्ती भी जो होती है कि सिर्फ आप नी जॉइंट अगर ये हो रहा है अपकर्पण के कारण, अगर वहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस चेंज है तो ऐसे कंडीशन में हम कर सकते हैं, सिर्फ तेल धारा उस पर छोड़िए उसमें भी आपको मूवमेंट में फर्क दिखेगा, पर ये कंडीशन वो अपतर्पण संतर्पण की कंडीशन देख के हम करना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो कभी कभी अगर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहा तो वो स्टिफनेस और ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये भी कंडीशन देख के होता है। दिस कैन बी टेकन एज अ सजेशन फॉर पीपल ऑफ द हायर एज ग्रुप्स 35 प्लस के लोगों को हम ये बता सकते हैं कि दे शुड टेक द एडवाइस फ्रॉम आयुर्वेदा चार्य एंड देन गो अहेड एंड डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि उनके अंदर तो स्टिफनेस वैसे भी एज रिलेटेड स्टिफनेस आना शुरू हो ही जाता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यस सर, नाइस नाइस सजेशन सर, थैंक यू। सर अभी तो ऑस्टियोपोरोसिस भी मिलता है सर, तो ऑस्टियोपोरोसिस भी अभी 35 और 30 मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली जो खाना है फास्ट फूड जो है वो बहुत इम्पैक्ट दे रहा है, क्योंकि उसमें जो नमक ज्यादा होता है वो भी बोन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट दे रहा है। मैंने ऐसा पहले कैसा है 60 अबव आपको ऑस्टियोपोरोसिस के चेंज मिलते थे, पर अभी ऐसा कुछ नहीं, 40 से लेके मैंने सबसे ज्यादा तो अभी जो पेशेंट आते हैं वो 35 से 45 तक की एज के आते हैं, जिनको ऑस्टियोफाइट्स मिलते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, वो बेंड नहीं कर पाते, ये सबसे ज्यादा अभी जो मिल रहे हैं वो 35-40 तक की है, यानी उसके बाद के तो पेशेंट्स जो है अबव 60 वो कम मिलते, लेकिन ये सबसे ज्यादा मिल रहा है आजकल। I think the joints का movement is more important than the strength. All joints, maybe fingers or the wrist or the elbow or the disc, the movement should be, I think we must take care of the movements rather than making them more and more strong. Sir, for those movements of those joints, the supportive muscles are supposed to be strengthened. Now suppose if this is the wrist, yes, is going to bear the weight. Unless you strengthen the muscles of your forearms, this wrist is not getting that able support. In case of your knee also, the calf muscle and the thighs, the quads are supposed to be strengthened, and the knee will be ably supporting you. So they are equally important. Knee ka flexibility hona zaruri hai, lekin muscles ka strengthening bhi hona utna hi zaruri hai. Otherwise, the knees, hum knee par jyada focus karte hain. और मसल के स्ट्रेंथनिंग पर उतना फोकस नहीं करते हैं, द इश्यूज स्टार्ट अगेन। सो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ यू नो अंडरस्टैंडिंग वेयर वी ब्रिंग काइंड ऑफ बैलेंस इन द टू थिंग्स। इट्स अ वेरी वैल्यूएबल पॉइंट सर, क्योंकि जितने हमारे जो सपोर्ट ये डायरेक्ट यहाँ पर जो लिगामेंट टेंडन्स है उनको तो सपोर्ट मिलता है, वो मेन मसल्स जो है आपके दूसरे बाजू के होते हैं या मतलब जो साइड के होते हैं, अब ये मसल्स को सपोर्ट करते हैं उसको पकड़ के रखते हैं, अगर ये मसल्स स्ट्रांग नहीं रहेंगे ऑटोमेटिकली लोड इस पे आता है और जहां हमने इसी के ऊपर ज्यादा फोकस किया तो वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। सो दैट मींस मेथडोलॉजी इज आल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेड ऑफ यू नो दैट वी गो टू मयूर आसन एंड लाइक दैट वी मस्ट बी केयरफुल, द टेक्निकल पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So can we take the support of the gadgets also, Dr. Amol? There are so many gadgets coming, you know, for strengthening. How about taking the use of or help of gadgets for strengthening the muscles? Definitely कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। Ultimate aim हमें वही है कि हमें muscles strength करनी है, ठीक है? अगर वे right है तो हम gadgets use कर सकते हैं। सर ने किया है योगा में, उन्होंने गैजेट्स लिए हैं, वो क्या लेना चाहिए, क्या एंगल्स होते हैं, वो अगर प्रॉपर है, क्योंकि फिजियोथेरेपी जब हम करते हैं तो वो भी काइंड ऑफ गैजेट यूज करके हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो हम कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। यानी वो भी अगेन उसके भी लिमिटेशंस है, यानी जिम में वगैरह जो जाते हैं अब वो भी एक प्रकार की गैजेट यूज करना ही हुआ, पर वो भी हमें कितना करना है, कौन से रीजन में करना है, कभी कभी ऐसा होता है कि पर्टिकुलर रीजन हम एक्सरसाइज करते हो और रोज उसी के एक्सरसाइज करते हैं, तो ये थोड़ा सा अवॉइड होना चाहिए, क्योंकि ऑल बॉडी पार्ट्स शुड बी स्ट्रेंथेंड इक्वली। ये ऐसा नहीं कि हम सिर्फ चेस्ट कर रहे हैं, शोल्डर कर रहे हैं, थाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो गैजेट 100% यूज कर सकते हैं, अल्टीमेट एम अगर हमारा ये हो रहा है तो। इनफैक्ट अलोंग विद योगा
आफ्टर अ ब्रेक, जैसे कि आपने अभी योग कर लिया तो आधा घंटे के बाद आप, भले आप एज 35 प्लस 55 65 प्लस हो, द वेट ट्रेनिंग इन द जिम ऑल्सो हेल्प्स यू टू डू बेटर योगा एंड योगा हेल्प्स यू टू डू बेटर जिम ट्रेनिंग. बट वो जिम ट्रेनिंग जो नौजवान करते हैं जोश में आके होश खोकर, वो हमारे लिए नहीं है. तो दिस वेट ट्रेनिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजियोथेरापी वेर दे गिव यू वेट ट्रेनिंग टू इम्प्रूव द डेंसिटी ऑफ द बोन सो दैट वी आर डूइंग जस्टिस टू दिस काइंड ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस. So the awareness concept always prevails in any technique you adopt, but that aspect always, you know, that supersedes all actions. So, ठीक है भी. सूर्य नमस्कार सुनील जी, मेरे ख्याल से हम लोगों को कुछ लाइट वे में है. पर्टिकुलरली मैं तो अवॉइड करता रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम फिजिकल कंडीशंस, बट इफ इन अ माइल्डर वे it could be adopted, so flexibility mein I think it will definitely help. It will do wonders. The only thing is that you should be doing under guidance. Of course. Initially, please do it under guidance. Mm-hmm. And after that, फिर आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर मुझे किस प्रकार का. सुनील भाई कुछ बोल रहे थे. मैं ये बस कह रहा था कि स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दो चीजें हमने देखी. मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो सबस्ट्रेटम है इनको इम्प्रूव करने के लिए, जो उसका फाउंडेशनल कंडीशन है, न्यूट्रिशन. और वही डॉक्टर अमोल भी बोल रहे हैं कि भाई बिकॉज ऑफ फास्ट फूड वो न्यूट्रिशन ठीक ना होने की वजह से ये दोनों ही कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं. मतलब वो तो आगे जो भी ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होने, तो मतलब जो आहार विहार आचार विचार जैसे हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट आहार है, दिस सीम्स टू बी एक्चुअली यू नो इवन मोर इम्पोर्टेंट एज मतलब आगे बढ़ने के लिए. आहार इज द करेक्ट आहार इज द फंडामेंटल कंडीशन आई थिंक. और इट इज नॉट जस्ट आहार, आहार तो इंजेशन हुआ, पर उसका जो एसिमिलेशन यील्डिंग इनटू न्यूट्रिशन, वो प्रोसेस जो है वो भी बॉडी का मने सही रहना चाहिए. आई थिंक तब जाके अपन योग अभ्यास का पूरा बेनिफिट ले पाएंगे. एट चैप्टर पर जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था डॉक्टर बिल ने लिया था, शमासन अध्यासन एंड विषमासन, तो अभी डॉक्टर अमोल भी बोल सकते हैं कि वो जो रॉन्ग ईटिंग एडिशनल ईटिंग, अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया फिर से कुछ उसके ऊपर खाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले वाला डाइजेस्ट हुआ नहीं हुआ, दिस ऑल लीड्स टू प्रॉब्लम. ये सॉल्ट और जो रॉन्ग फास्ट फूड का जो है ना, ये अपनी जगह पर सही है, लेकिन बाकी दूसरी अभी जैसे दिवाली आ गई, अब तो घर में लड्डू बने पड़े हुए हैं, चकलियां बनी पड़ी हुई हैं, चलते फिरते खाते मुंह में खा लेते हैं, इसका अंदाजा नहीं रहता कि कितने गड़बड़ कर रहे हैं हम अपने आप में. तो ये सारी बातें जो है बहुत मैटर करती है सर. तो एंड योर बॉडी विल रिफ्लेक्ट बैक, इट विल टेल यू वेयर इट इज गोइंग रॉन्ग, इट टेल्स यू, बट वी शुड बी एबल टू हियर इट. वो अवेयरनेस रहना चाहिए. ऐसे होता है सर, मुझे बहुत तो ऐसा होता है कि जैसे हम किसी मीटिंग में बैठे हैं और हमें चाय की जरूरत नहीं, लेकिन मीटिंग में चाय आई इसलिए हमने वो ले लिया, तो ये भी अध्यक्षन में आता है. यानी हमें अब जरूरत नहीं है, तो बस हमारे सामने है इसलिए हमने ले लिया. ये तो आजकल बहुत कॉमन है. मेरे पास भी ऐसे पेशेंट है, जैसे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में है तो कोई क्लाइंट मिलने आया तो उसको चाय ऑफर की, तो उनको भी थोड़ी सी लेनी ही पड़ती है, तो 10-10, 12-12 कप चाय पीने वाले पेशेंट भी आजकल मिल जाते हैं. आप सरप्राइज हो जाएंगे. इनफैक्ट आई हैव सीन पीपल ओवर ड्रिंकिंग वाटर एंड क्रिएटिंग लोड ऑन किडनीज. ये जो कंसेप्ट है ना, 3 लीटर पीना चाहिए, 4 लीटर पीना चाहिए, 5 लीटर पीना चाहिए, गड़बड़े. प्यास लगेगी तो पानी पियो, मना किसी ने नहीं किया, लेकिन वो जो कंसेप्ट है अभी वो एक नेचुरोपैथी कंसेप्ट है. सुबह सुबह 2 लीटर पानी पीना, 1 लीटर पानी पीना,
वो कुछ लोगों को उनके बॉडी स्ट्रेंथ के हिसाब से मैनेज हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को इतना बुरी तरह से वो असर करते हैं कि यू आर अंडर प्रॉब्लम्स। एज यू सेड सर के डाइट प्लेस रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कीपिंग दिस थिंग इन अवर माइंड टू टेक केयर, क्योंकि जैसे प्रैक्टिस के साथ में स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है, तो सुनील सर ने जैसे राइट आउट पॉइंट आउट किया वहां पे कि हमको आहार पे भी ध्यान देना चाहिए, तो आहार पे अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो व्हाट इज द राइट वे ऑफ ईटिंग एंड ऑब्जर्विंग, वो जो बोल जो दिनचर्या जो बोलते हैं ना, दैट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन एंड द टाइम इज आल्सो इम्पोर्टेंट सर। वेरी ट्रू, यस वेरी मच। मिडनाइट डिनर एंड ब्रंच, 12 o'clock ब्रंच। तो अभी सब वो एक कंसेप्ट है ना कि हमको जीने के लिए खाना चाहिए, लेकिन आज कंसेप्ट ऐसा आ गया कि हम खाने के लिए जी रहे हैं। Somewhere we have to create that difference. सूत्र में कहां दिया हुआ है खाने के बारे में, मेरी समझ में नहीं आया। योग सूत्रास में एक बार मैंने क्वेश्चन पूछ लिया डॉक्टर जय से, सर ये तो होना चाहिए आहार के बारे में सूत्र में क्यों नहीं है, तो बोले कैसे नहीं है, है क्यों नहीं है सूत्र, बोले किस में आएगा तुम बताओ। तो ये आएगा नियम में, रोज का है तो जब नियम में आएगा तो कहाँ आएगा, किस जगह आएगा, तो वो देखा क्या अच्छा हमारे पास तो की पांच ही है, शौच संतोष तपस अध्यायन, तो इट कम्स इन शौच। तो डाइट एंड एक्चुअली फूड इज टेकन टू क्लींस द बॉडी, टू क्लींस द बॉडी, तो शौच में इट इज कवर्ड द फूड एस्पेक्ट। आप वो चीज खाइए जिससे बॉडी का उत्थान हो, क्लींस हो, माइंड क्लीन हो, तो टोटल जो है बोले क्लींसिंग प्रोसेस के लिए फूड है। तो शौच में खाने का अगर आप टॉपिक लेना चाहते हैं डाइट का, तो इट इज कवर्ड अंडर शौच, शौच के नियम फिक्स है और किस पर्पज से आप लीजिए, एवरी चाहे खाना हो, चाहे पानी हो, चाहे जो भी हो, इट मस्ट क्लींस द बॉडी, दैट इज द आंसर। ऑफ कोर्स जब क्लीनिंग है तो बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड